इसरो अगस्त के आखिरी में या फिर सितंबर की शुरुआत में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। ये इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन होने वाला है। आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक जाया जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार सौरमंडल में स्पेस ऑब्जर्वेटिव तैनात करेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का काम सूरज पर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखना होगा। चांद के बाद अब सूरज पर एंट्री की तैयारियां। इसरो का नया मिशन जल्द होगा लॉन्च। मिशन आदित्य L1 की तैयारियां तेज। हर कोई चंद्रयान 3 की इस वक्त बात कर रहा है। हर किसी के जहन में सिर्फ उसके सफल लैंडिंग की ही बातें हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा इससे इतर इसरो पर एक और सबसे बड़े मिशन का जिम्मा भी है। चांद के बाद अब इसरो सूरज पर भी स्पेसक्राफ्ट की एंट्री को लेकर तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि इससे अगस्त के आखिर में या फिर सितंबर की शुरुआत में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। ये इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन होने वाला है। आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक जाया जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार सौर मंडल में स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैनात करेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का काम सूरज पर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखना होगा। वहीं मिशन की सफलता को लेकर अभी से ही वैज्ञानिकों ने सूर्य पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। सूर्य पर तमाम रिसर्च जारी है। वहीं इस मिशन से सूर्य से जुड़ी कई गतिविधियों और रहस्यों का खुलासा संभव हो पाएगा। लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1। आखिर क्या है लैग्रेंज पॉइंट? भारत ने आज तक लैग्रेंज पॉइंट तक स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। वहीं अब सवाल ये है कि आखिर लैग्रेंज पॉइंट स्पेस है क्या? दरअसल दो या दो से ज्यादा विशाल चीजों के बीच एक पॉइंट है। यहाँ अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है तो वो दो विशालकाय वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से एक जगह रहती है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जाएगा। वहीं इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट टिकाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बात की जाए इन लैग्रेंज पॉइंट की, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसमें आदित्य को लैग्रेंज 1 तक भेजा जाएगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में SUIT और VELC जैसे दो प्रमुख उपकरण लगे होंगे। इन्हें भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। VELC के जरिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक मेजरमेंट किया जाएगा। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इस उपकरण के जरिए सूर्य के चुंबकीय फील्ड की स्टडी होगी। ऐसा पहली बार होगा जब कोई देश सूर्य के चुंबकीय फील्ड की स्टडी करेगा। क्या होगी स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 की खासियत? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एक स्पेस टेलीस्कोप की तरह होगा। इस मिशन के दो मुख्य काम हैं। इसमें पहला लंबे वक्त तक सूर्य की साइंटिफिक स्टडी करना और दूसरा हमारे सैटेलाइट्स को बचाना। दरअसल सूर्य से रेडिएशन और सौर तूफानों का खतरा है, जिसकी वजह से पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तूफानों की वजह से इलेक्ट्रिकल ग्रिड में भी खराबी आ जाती है। सूर्य से सौर तूफान का ही खतरा नहीं है, बल्कि इसकी वजह से होने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स भी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी इनसे नुकसान पहुंच सकता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का काम सूर्य में होने वाली इन्हीं गतिविधियों पर नजर रखना है। एक तरह से ये वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करेगा। जानकार कहते हैं कि अभी भी दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर स्पेस मिशन को लेकर सिर्फ शुरुआती प्रयास ही किए जा रहे हैं। भारत ने स्पेस मिशन में अपनी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इसीलिए दुनिया के ऐसे देश भारत एक सैटेलाइट के बहुत बड़े बाजार के तौर पर भी देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और धड़ाधड़ लॉन्च होने वाले स्पेस मिशन और बड़े प्रोजेक्ट से उनकी प्रतिभा का भी अंदाजा हो रहा है। फिलहाल अब सब कुछ इसरो के इस मिशन आदित्य L1 की सफलता पर निर्भर करता है। जैसे इसरो के इतिहास में भारत के लिए एक और गौरवशाली पल जुड़ जाएगा, वो पल जिसका चंद्रयान 3 की तरह ही भारत ने इंतजार किया। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।